स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक और मल्टी वेरिएबल का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लास्ट की एक वीडियो में मैंने और मल्टी वेरिएबल का प्रॉब्लम बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी वेरिएबल या तो हिट इन ट्रायल से होता है या फिर कोई ना कोई बाउंडेडनेस होती है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 16 raised to the power x square plus y प्लस 16 raised to the power x plus y square equal to 1। हमें x एंड y के वो पेयर बताने हैं जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो यहां पर चलो पहले मैं हिट एंड ट्रायल से सोचता हूं। तो जब मैं हिट एंड ट्रायल की बात करता हूं तो यहां पर इन दो नंबर का सम 1 होना है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो पावर है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पावर 0 भी हो गई तो 16 की पावर 0 कितना होगा, 1। और अगर यही 1 हो गया, इसमें एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। ओके, तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर को नेगेटिव होना पड़ेगा, पावर ना तो 0 होगी ना पॉजिटिव होगी। तो जो पावर है, पावर को कैसा होना पड़ेगा, एक नेगेटिव नंबर होना पड़ेगा। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल से सोचते हैं कि 16 की पावर नेगेटिव नंबर, तो मैं 16 की कौन कौन सी पावर बिना लॉग के कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर बात आती है कि मैं 16 की पावर -1/2 कैलकुलेट कर सकता हूं। भाई 16 की पावर -1/2 कितना होगा, 16 की पावर -1/2 होगा 1/4। मैं 16 की पावर -1/4 कैलकुलेट कर सकता हूं, ये कितना होगा 1/2। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये पावर -1/2 है तो इसका आंसर 1/4 आएगा, और जब ये 1/4 आएगा तो साइमल्टेनियसली से 3/4 होना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि 16 की कौन सी पावर 3/4 होती है, और अगर पता भी है तो आंसर लॉग की फॉर्म में पता है। तो एक ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों 1/2 1/2 हो जाए। ओके, और ये दोनों 1/2 1/2 कब होंगे, अगर मैं आपसे बोलूं 16 की पावर x² + y को 1/2 होना है, तो आप बोल सकते हो कि पावर -1/4 हो जाए। तो एक कॉम्बिनेशन ये है कि अगर दोनों पावर -1/4 हो जाएं, तो ये दोनों नंबर 1/2 1/2 बन जाएंगे, और 1/2 + 1/2 बना जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये है कि दोनों पावर -1/4 हो जाए। चलो देख लेते हैं क्या ऐसा कोई पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो एक पेयर मुझे मिल जाएगा। मैं सॉल्विंग नहीं कर रहा हूं यहां पर, अभी तो मैं जस्ट हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं। तो यहां से एक पेयर आपको मिल जाएगा -1/2 -1/2। ठीक है, -1/2 -1/2 से सेटिस्फाई करेगा। आप रख के भी देख सकते हो, -1/2 का स्क्वायर +1/4 -1/2, तो +1/4 -1/2, तो -1/4, और इसी तरीके से ए भी -1/4 आ जाएगा। क्लियर है? तो हिट एंड ट्रायल से मुझे एक सॉल्यूशन दिख रहा है -1/2 -1/2। लेकिन यहां पर मैं ये श्योर तो नहीं हो सकता हूं कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये तो एक ऑब्जर्वेशन है कि ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन इसके अलावा मे बी और कोई पेयर भी हो सकता है जो इसे सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सही अप्रोच क्या होगी, अब इसकी बात करते हैं। तो यहां पर अब मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखो, एक नंबर है 16 raised to the power x square plus y, दूसरा नंबर है 16 raised to the power x plus y square। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसमें am > gm लगा रहा हूं। तो सपोज मेरे पास एक नंबर है 16 raised to the power x square plus y, दूसरा नंबर है 16 raised to the power x plus y square, और इन दो नंबर्स में मैं am > gm लगा रहा हूं। तो इन दो नंबर का em क्या होगा, this + this/2 > ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 16 raised to the power x square plus y square plus x plus y। ये तो हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, और raised to the power 1/2, ठीक है ना, raised to the power 1/2। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे, सो 16 raised to the power x square plus y plus 16 raised to the power x plus y square, जो है 16 है, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, और पावर 1/2 है तो 2 स्क्वायर बनेगा। तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 2x² + 2y² + 2x
प्लस टू वाई प्लस वन, ठीक है, ये समझ में आए। देखो मैंने क्या किया, इसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 16 होता है 2 की पावर 4, लेकिन पावर 1 बाई 2 तो 2 स्क्वायर बचेगा ना, 2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, और यहां पर जो ये 2 था इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 की एक पावर और बढ़ गई, तो यहां पे प्लस 1 भी आएगा। ओके, अब मैं केवल RHS को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, इसे मैं ऐसे लिखता हूं 2 रेस टू द पावर, ओके, यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, ओके, 2 कॉमन लिया तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 4, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से प्लस 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाई 4, क्लियर है। और अच्छी बात यह है कि 2 इंटू 1 बाई 4 1 बाई 2, 2 इंटू 1 बाई 4 1 बाई 2, और 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 भी एडजस्ट हो गया। सो फाइनली ये बन गया 2 रेस टू द पावर 2 टाइम्स x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पावर में 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पावर है इस पावर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो अगर जब इसका मिनिमम वैल्यू 0 है तो जो ये RHS है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पावर की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो RHS में जो ये नंबर लिखा हुआ इसकी मिनिमम वैल्यू 2 की पावर 0 मतलब 1 होगा। ओके, तो आप बोल रहे हो कि जो ये सम है ये इस नंबर से बड़ा है और ये नंबर 1 से बड़ा है, क्लियर है, और जबकि मुझे दिस इक्वल टू 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ऐसा तब हो सकता है कि जब ये 1 बन जाए। पहली चीज तो भाई ये नंबर या तो 1 है या 1 से बड़ा है, अगर ये नंबर 1 से बड़ा हो गया तब तो दिस इक्वल टू 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। तो पहली चीज तो ये कि ये क्या बन जाए 1, और साथ में ये 1 के इक्वल भी हो जाए, और ये 1 के इक्वल कब होगा, जब em इक्वल टू gm होगा, मतलब वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो ये नंबर 1 कब बनेगा, जब पावर 0 होगी, और पावर 0 कब होगी, जब x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आएगा, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, जब x माइनस 1 बाई 2 होगा एंड y माइनस 1 बाई 2 होगा, इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो RHS में नंबर लिखा हुआ है वो कितना बन जाएगा 1, ठीक है ना भाई। पावर 0 हो गई जब x माइनस 1 बाई 2 होगा एंड y माइनस 1 बाई 2 होगा, तब पावर 0 हो जाएगी और RHS का आंसर कितना आएगा 1, तो कुछ ऐसा बन गया। तो हमारे पास मिलेगा 16 रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ऐसा कब होगा, जब एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है एंड वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब मुझे दिस इक्वल टू 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो ऐसा कब होगा, जब em इक्वल टू gm, और am इक्वल टू gm होने के लिए नंबर्स को इक्वल होना पड़ेगा, तो साथ में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना भाई, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन इक्वल टू 1 होने के लिए इन दोनों नंबर को इक्वल होना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमने पेयर लिया है एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, इस पेयर पर मेरा RHS तो 1 हो गया, लेकिन दिस इक्वल टू 1 होने के लिए इन दोनों नंबर को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा हमें, क्या जो ए वाला पेयर है ए पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ए पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ए सम हमेशा 1 से बड़ा आएगा ना। अगर इस सम को 1 के इक्वल होने के लिए इस पेयर को इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो जब x माइनस 1 बाई 2 है y माइनस 1 बाई 2 है, तो ए वाला जो पेयर है ए पेयर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस अगर ए पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया मतलब em इक्वल टू gm होगा, मतलब दिस इक्वल टू 1 होगा। तो यहां पर एक ही पेयर है और वो पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सो माइनस 1 बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 2 इज द ओनली पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बाउंडेडनेस किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं।
मैंने आपको पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, आज भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और भी कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन से लेकर आएंगे। तो जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।